आज हम क्लास में स्पेशल कास्टिंग मेथड्स के बारे में जानेंगे, विशिष्ट कास्टिंग प्रक्रम, उसमें भी स्पेशल टाइप में एक टाइप के बारे में बात करेंगे हम, डाई कास्टिंग, जो कि एग्जाम में प्रश्न आता है आपका। यहाँ पर हम स्पेशल कास्टिंग मेथड पर आ गए हैं, लेकिन हम यहाँ पर ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कन्वेंशनल जो मेथड्स हैं वो है ग्रीन सैंड कास्टिंग और ड्राई सैंड कास्टिंग। ये हम लोगों ने फिजिकली क्लास में अटेंड कर चुके हैं, उसमें हम जानते भी हैं कि फिजिकली मोल्ड होगा, पैटर्न होगा, मोल्ड होगा, सैंड होगा, फिर मोल्ड कैविटी बनाएंगे, इट्स लाइक दिस। और यदि उस मोल्ड को हम बेक होने रख देंगे तो वो ड्राई सैंड कास्टिंग कहलाएगा। तो ये हमारा कन्वेंशनल थे दोनों तरीके। हमने ग्रीन सैंड और ड्राई सैंड में कास्टिंग में अंतर भी देखा जो यूजली परीक्षा में आता है क्लास में। अब हम आज जो बात कर रहे हैं स्पेशल कास्टिंग मेथड की, इसके लिए मैंने एक यूट्यूब वीडियो दिया था स्पेशली आपको डाई कास्टिंग पर, और पेज नंबर 223 में नोट्स हैं जिसमें कि डाई कास्टिंग के बारे में समझाया है। मेरा टारगेट ये है आज का, आपको प्रश्न भी दिए थे कि स्पेशल कास्टिंग मेथड का हम उपयोग क्यों करते हैं, पहला प्रश्न। दूसरा था कौन सी स्पेशल कास्टिंग मेथड होती है, और उसमें से भी हमको जो बात करना थी वो आज स्पेशली डाई कास्टिंग के बारे में। इस प्रकार से हम देखें आज की क्लास में हम डिफरेंट स्पेशल कास्टिंग मेथड पर बात करेंगे। तो पहले सवाल के जवाब में हम देखें कि हमारी जो है कौन सी, हम स्पेशल कास्टिंग मेथड्स का उपयोग क्यों करते हैं। इसमें पहली बात यह है कि स्पेशल कास्टिंग मेथड में समय और पैसे दोनों की बचत होती है। सो टू सेव टाइम एंड मनी वी आर यूजिंग स्पेशल कास्टिंग मेथड। सेकेंड पॉइंट है कि हम इसमें प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं कम प्रयास और कुशलता से कार्य करके, उत्पादकता को कम प्रयास एवं कुशलता से बढ़ाना, बढ़ा सकते हैं हम इसको, क्योंकि प्रोडक्टिविटी मतलब हमारा इनपुट जो है वो एफर्ट्स कम लगाएंगे और स्किल्ड की जगह हम सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड से वर्क लेंगे तो यहाँ पर हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये दूसरा बिंदु है। तीसरा बिंदु है कि मोल्ड एंड कोर्स बेटर क्वालिटी के बनते हैं इसमें, और मोल्ड और कोर्स की बात करें तो कई मेथड तो ऐसी है जिसमें कि अपने को ट्रेडिशनल मोल्ड और कोर की जरूरत नहीं है, जैसे स्पेशली डाई कास्टिंग में ही है। और इसको हार्ड करने के लिए मोल्ड को हमको इसको कोर को रैपिड हार्डनिंग एक्शन के कारण इसको सुखाने की, ड्राइंग की या बेकिंग सेकने इनकी जरूरत नहीं पड़ती। इस तरीके से हम देखें स्पेशल कास्टिंग मेथड से तो ये इनके फायदे हैं कि टाइम और पैसे की बचत है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, मोल्ड एंड कोर्स बेहतर क्वालिटी के होते हैं और हमें मोल्ड या कोर्स को बेकिंग या ड्राइंग की जरूरत नहीं पड़ती। तो प्रश्न यहाँ पर ये आता है कि जब इतनी सारी अच्छी चीजें इसमें हैं तो हम क्यों ग्रीन सैंड मोल्डिंग और ड्राई सैंड मोल्डिंग पे बात करें। अब आप इसका जवाब इससे समझे कि स्पेशल कास्टिंग मेथड है, यानी कि ये यूनिवर्सल नहीं है, ये पर्टिकुलर कुछ स्पेशल केसेस में ही यूज की जा सकती है, इसलिए ये स्पेशल कास्टिंग है। और वहां पर ये मेथड जो है पैसा बचाती है, समय बचाती है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है, बहुत सारे फायदे देती है, लेकिन ये हर जगह यूज नहीं हो सकती। यूनिवर्सल में कौन सी है, ग्रीन सैंड मोल्डिंग आप हर जगह उपयोग में ला सकते हैं, या फिर ड्राई सैंड मोल्डिंग कन्वेंशनल जो है। बट स्पेशल मेथड में हमने ये देखा कि ये चार पॉइंट जो लिखे हैं वो कॉमन लिखे हैं सारी मेथड्स के लिए, और इसमें स्पेशली किसकी क्या खासियत है वो अपन आगे देखेंगे। यहां पर देखें कि कौन कौन सी स्पेशल कास्टिंग मेथड है, तो वैसे तो बहुत सारी है, बट इस पर योर सिलेबस हमने जो देखा है, पहली आती है डाई कास्टिंग, इसको हिंदी में भी डाई कास्टिंग लिखते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग या अपकेंद्रीय कास्टिंग, और उसके बाद तीसरी है इन्वेस्टमेंट या लॉस्ट वेक्स, निवेश कास्टिंग या इसमें खोने वाला मोम, मोम का यूज करते हैं जो बाद में पिघल के बाहर कर देते हैं, दैट्स व्हाई लॉस्ट वेक्स या फिर इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। डाई कास्टिंग के बारे में हम बात करें तो आप लोगों ने वीडियो देख लिया है, डाई कास्टिंग में जो आप समझ पा रहे थे, अब हम स्पेशली थर्ड केस में आ गए डाई कास्टिंग, जो कि आज का हमारा मेन चैप्टर है, वो इनिशियल था, वो ये कि डाई कास्टिंग आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा ग्रेविटी टाइप की होती है, प्रेशर कास्टिंग या डाई कास्टिंग आप देखेंगे। डाई कास्टिंग में ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई ना कोई आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आप देखें तो इसमें जो हार्ट चेम्बर
या कोल्ड चैम्बर, ये जो दो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई ना कोई आता है, इसलिए मैं इसको रेड कर देता हूं कि आप इनको जरूर पढ़ो, इनके चित्र बना। पढ़ने का मतलब यह है कि जब आप इनको एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम में सॉरी, तो आपको इसका पहले डायग्राम बनाना होगा और इसके बाद फिर उस डायग्राम को एक्सप्लेन करना होगा। तो ये जो स्पेशल केस है प्रेशर कास्टिंग, यानी डाई कास्टिंग के चारों टाइप में, ग्रेविटी कास्टिंग, प्रेशर कास्टिंग, वैक्यूम कास्टिंग या एयर ब्लोन, इन सब में से आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है वो ये वाला है। तो अब इस पर यदि मैं बात करूं, जो आप लोगों ने नोट्स में देखा होगा, मैं उस पर आता हूं कि नोट्स में आप लोगों ने देखा होगा ये पीडीएफ खुल गई क्या, कोई भी एक अपना माइक, अच्छा बोल ही नहीं पाएंगे ना, आई थिंक शुरू हो गया है, हाँ क्योंकि वो तो अपना बंद ही हो गया है, नया वाला शुरू हुआ, यार इसको स्टॉप करके फिर करूं तो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। हाँ अब मैं कर लेता हूँ आपको। अभी हमने जो देखा, हमारा प्लान देखा कि आज हम क्या पढ़ना चाहते हैं, अब इसमें से मैं नोट्स पर आता हूँ कि नोट्स में जो आपको मैंने दिए थे डाई कास्टिंग के बारे में, इसके पहले इसमें जो मैंने अभी पढ़ाया कि कितने प्रकार की होती है और इसके फायदे क्या क्या है, क्यों यूज की जाती है, तो यहाँ पर लिखा है इसकी, चूंकि इमेज सही नहीं आई थी जब बनाया था, ये स्पेशल कास्टिंग मेथड के जो पॉइंट थे ये मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझा दिए हैं। यहाँ पर जो मेथड के नाम है डाई कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, ये तीन मैंने ली है क्योंकि आपके सिलेबस में है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड या स्लश मेथड होती है, इसके बाद फेरो सिलिकॉन कंटिन्यूस मेथड होती है। ये नाम में आप याद कर लें, डिटेल में अपन ये तीनों में जाएंगे। तो डाई कास्टिंग के बारे में यदि हम बात करें तो ये सबसे पहली बात डाई कास्टिंग की है कि एक्यूरेटली और रैपिडली प्रोड्यूसिंग मेथड है, इट इज द आर्ट ऑफ रैपिडली, जल्दी से जल्दी और एक्यूरेटली, बहुत एक्यूरेट बनती है इससे। एक्यूरेसी किस मामले में, डायमेंशन के मामले में। इसमें हम करते क्या है, हम पिघले हुए मेटल को प्रेशर के साथ मेटल की डाई में भेजते हैं, यहां पर मोल्ड की जगह पर परमानेंट मोल्ड जिसको हम कहते हैं डाई, मतलब वो मोल्ड आपने देखा होगा कि केविटी बनती है फिर हम डालते हैं, इसमें मोल्ड में, मोल्ड की जगह पर डाई यूज है। डाई के मामले में आप देखें तो आप ये देखते होंगे कि जब भी हम कोई पीस बनाते हैं तो इस तरीके से दो के बीच में रख के दबा दें तो जो बन जाता है वो होता है, तो वो डाई यूज होती है, अभी आप पिक्चर में भी देखेंगे। तो ये जो डाई है, डाई के अंदर डाल देते हैं, मोल्ड का सारा हेडेक खत्म हो गया, कोई भी आपको गंदगी टाइप की नहीं मिलेगी कि आप वो सैंड ला रहे हो और रेमिंग कर रहे हो ट्रेडिशनल तरीके से, तो ये परमानेंट मोल्ड है और ये विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बना देता है ना। तो लेकिन ये सुइटेबल किसके लिए है, हर एक मेटल के लिए नहीं है, ये केवल नॉन फेरस के लिए है, जैसे लेड है, मैग्नीशियम है, टिन है या जिंक है, तो इसकी स्पेशल है, लेकिन लिमिटेशन उसकी ये है कि इसी में यूज होगा, इसी को हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज के द्वारा भी जानेंगे। तो खास बात क्या है कि ये एक आर्ट है रैपिडली, बहुत जल्दी प्रोड्यूसिंग, बनाना एक्यूरेटली डायमेंशनल पार्ट्स, बिल्कुल जो एग्जैक्ट डायमेंशन है वो आपको मिलेगी। और करते कैसे हैं कि हम मोल्टन मेटल को इसमें डालते हैं और साथ में प्रेशर भी लगाते हैं और वो मेटल डाई में जाता है और विद इन अ सेकेंड जो है वो आपका पीस भर के बाहर आ जाता है। इसमें वेट नहीं करना कि कूल होगा फिर इसके बाद हम उसको निकालेंगे फिर उसको साफ करते रहो कास्टिंग को, उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये क्या है कि एक्यूरेट डायमेंशन की डाई आपने बनाई हुई है, तो वहां पर अब वो प्रॉब्लम नहीं है जो कास्टिंग के डिफेक्ट ट्रेडिशनल तरीके में थे। तो यहाँ पर यदि हम एडवांटेज की इसकी बात करें तो सबसे पहली बात जैसे बताया, हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन, बहुत ज्यादा जल्दी बनता है ये, मतलब बहुत कम समय में ज्यादा पीस बनते हैं। एक्यूरेटली डायमेंशन, आप देखिए ऑर्डर ऑफ टॉलरेंस देखिए, आप एमएम में भी कितना 0.025, यानी 50 एमएम का कोई डायमेंशन चाहिए तो वो या तो 50.025 होगा या 49.975 तक होगा, इतना एग्जैक्ट डायमेंशन मिलता है। अब चूंकि टॉलरेंस है तो इसमें सरफेस फिनिश भी हमको बहुत अच्छे से मिलती है 0.8 माइक्रोन तक। इसको आप एमडी में पढ़ चुके हैं टर्म को कि टॉलरेंस क्या होती है, सरफेस फिनिश क्या होता है। इसमें बहुत पतले पतले भी बना सकते हैं हम, थिन सेक्शन 0.5 mm। इसके बाद फाइन डिटेल्स में भी प्रोड्यूस बहुत ही एग्जैक्ट, लॉन्गर डाई लाइफ, जो मोल्ड है परमानेंट मोल्ड है जिसको हम डाई कहते हैं उसकी लाइफ बहुत ज्यादा है क्योंकि वो हार्डन मटेरियल का होता है। इसमें एरिया जो है हमको, जो जमीनी एरिया फ्लोर एरिया चाहिए वो बहुत कम चाहिए, जबकि आप ट्रेडिशनल कास्टिंग में देखते हैं कितनी सारी जगह फैली रहती है, और इससे जो कास्ट बनता है हमारा पीस
उस एक पीस की कीमत जो है वो बहुत न्यूनतम होती है, मिनिमम यूनिट कास्ट, बट अगेन नॉट फॉर स्टील, नॉन फेरस अलॉय के लिए। अब इसमें बात करें, अब आप इससे कोई लो प्रोडक्शन नहीं ले सकते, मतलब आप चाहोगे एक या दो पीस बनाना हो तो डाई की कास्ट इतनी ज्यादा है कि आप इस पे जाओगे ही नहीं, क्योंकि डाई की कास्ट बहुत ज्यादा होती है। यहाँ लिखा भी है डाई कास्ट और इक्विपमेंट इज वेरी हाई, तो ये लो प्रोडक्शन के लिए तो है ही नहीं, ये इकोनॉमिकल है नॉन फेरस के लिए सिर्फ, बाकी और किसी मेटल के लिए नहीं है। और हैवी कास्टिंग हम इससे नहीं बना सकते, क्योंकि हैवी कास्टिंग की बात आएगी तो उतनी बड़ी डाई बनाना पड़ेगी जिसमें पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर 28 में मैंने लिखवा दिए थे आपको कि प्रेशर में हार्ड चैम्बर, कोल्ड चैम्बर, एयर ब्लोन, वैक्यूम, और एक हमने ग्रेविटी टाइप, इसमें नहीं लिखा है, वो आपको वीडियो में दिखाया था। अब इसकी पिक्चर देखिए, अब ये वाली पिक्चर आपको बनना चाहिए। यहाँ पर देखिए, ये है अपनी डाई, ये फिक्स डाई होगी और एक मूवेबल डाई होगी। ये आपकी सपोज फिक्स डाई है, ये वाली मान लीजिए फिक्स्ड है, तो ये वाली आपकी मूवेबल होगी, ये हट सकती है। तो ये जो पीस बना है डंबल शेप का, ये हमें बनाना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक नोजल ली है, ये नोजल का शेप है, और यहाँ पर गूज नेक, गूज नेक की बात करें तो यू बेंट प्रोवाइड किया जाता है। गूज एक बत्तख जैसा हिंदी में क्या बोलते हैं, उसकी जो गर्दन ऐसी होती है, नेक है ना, उसकी गर्दन के शेप का लिया है अपन, है ना, इसलिए इसको गूज नेक बोलते हैं। और बेंट के ऊपर एक हमने लगा रखा है प्लंजर, प्लंजर इज अ टाइप ऑफ पिस्टन, पिस्टन रेसिप्रोकेट होता है केवल, जबकि प्लंजर जो है रेसिप्रोकेट के साथ रोटेट भी होता है। इट्स अ प्लंजर या रैम, जो भी आप बोले, पिस्टन है, पिस्टन नहीं बोलेंगे, ये रोटेट भी होगा, मतलब वर्टिकली चलेगा भी लीनियर डायरेक्शन में और साथ में रोटेट भी हो सकता है, सो इट्स अ प्लंजर। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये पूरा जो बर्नर आपका वो चैम्बर है, ये पूरा का पूरा गर्म हो रहा है बर्नर के थ्रू, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं हार्ड चैम्बर। और इसमें मोल्टन मेटल या पिघली हुई मेटल है जिसको अपन ने बर्नर से गर्म करके रखा। अब आप बोलेंगे फर्नेस कौन सी यूज करेंगे, सिंपली बर्नर से कर रहे हैं, डायरेक्ट बर्नर से ले सकते हैं आप, जो भी मेथड है, क्योंकि इसमें इसी पॉट में करना है, और जो मेटल है वो लो मेल्टिंग पॉइंट वाले हैं, आयरन टाइप नहीं है 1600-1700, इसके लिए अपने को स्पेशल फर्नेस जरूरत पड़ेगी, तो आप इसको पिघला लेंगे। अब वर्किंग क्या होगी इसमें, कि जैसे ही आप इस प्लंजर को दबाएंगे ऊपर से आएगा, तो यहाँ से मोल्टन मेटल एंटर करेगा और इस जो एरो बने हुए हैं यहाँ पर ओपनिंग भी है, और इसके बाद यहाँ से प्रेशर लग करके, जब ये प्रेशर से नोजल के थ्रू जाएगा और छोटे से एरिया से गुजरेगा, तो इस पूरी कैविटी को फिल कर देगा, और केविटी को फिल करेगा इमिजिएटली यहाँ से ये क्या हो जाएगा, आपका बाहर हो जाएगा। इसमें प्रेशर जो लगता है मात्र 15 MN/m² या 15 MPa से 15 N/m². तो हार्ट होने के कारण, चूंकि हम इसको बर्नर में हार्ट कर रहे हैं, तो जो हमें प्रेशर देना पड़ता है उसका मान कम रहता। अब आप इमेजिन करिएगा कि यदि मान लीजिएगा कि ये हार्ट ना हो, मोल्टन मेटल तो होगी, पिघली मेटल होगी, और आप लाके डालेंगे, ये तो होगा, क्योंकि पिघली मेटल होगी तभी तो आप उसकी कास्टिंग कर पाएंगे, ये तो पहली रिक्वायरमेंट है। तो ये पिघली मेटल यहां से आएगी, लेकिन उसको गर्म नहीं किया जाए, ठंडा रखा जाए, तो एक इसको बोलेंगे अपन कोल्ड चैम्बर। लेकिन उसमें प्रेशर की वैल्यू देखिए, यहाँ पर 15 MN है, जबकि उसमें प्रेशर की वैल्यू जो होगी वो आपकी 15 से 10 गुना हो सकती है। अपन देखें 15 से कहां तक जा रहे हैं हम, 157, मतलब डिपेंडिंग अपन मेटल 30 से लेकर के 157 MPa तक प्रेशर लगेगा। अब अगेन ये एक आपकी डाई है, मतलब ये डाई है और ऊपर वाला पंच है, और आपको ये गिलास का शेप चाहिए। यदि ग्लास का शेप आपको चाहिए तो यहाँ पर आपकी एक राड है, यहाँ पर नोजल है, और यहाँ पर एक बेसिन है जिसमें कि आप पिघली हुई मेटल डालेंगे, और ये प्लंजर है, यहाँ से प्लंजर से आप दबाएंगे, तो हो वही रहा है, यहाँ से मेटल आएगा, प्लंजर यहाँ से चलेगा, और जैसे इसको प्रेशराइज करके देगा, प्रेशराइज करेगा, तो नोजल के थ्रू ये ब्लैंक स्पेस जो है यहाँ पर आपका जो है मोल्टन मेटल जाएगी, और पंच प्रेस हो करके पंच को आप हटाएंगे तो ये वाला पीस बाहर आ जाएगा। कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग स्पेशली यूज होती है एल्यूमिनियम के साथ, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो स्टील की डाई के साथ क्या करता है, रिएक्टिव हो जाता है, तो इसलिए हम कोल्ड चैम्बर, क्योंकि इसमें हमें क्या प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ रहा है, तो हमें प्रेशर ज्यादा लगाना पड़े तो बेटर वी गो फॉर द हार्ड चैम्बर, लेकिन हम कोल्ड चैम्बर यूज करते हैं एल्यूमिनियम में, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि हमको, चूंकि हम इसको गर्म नहीं कर सकते हैं, ये जो कास्ट, ये जो है यहाँ पर मेटल जो अपना यहाँ पर रहेगा उससे रिएक्शन कर सकता है एल्यूमिनियम, तो हम इसको कोल्ड चैम्बर कहेंगे। यानी इस जो चैम्बर है
जहां से आपने लिया वो कोल्ड है, जबकि यहाँ पर चैम्बर को आप गर्म कर रहे हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पर पीडीएफ में देखा। स्पेशली हमको हार्ड चैम्बर और कोल्ड चैम्बर के बारे में ही बात करना है। अब इसमें मैं आपको एक वीडियो और शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आप विजुलाइज करें कि एक्चुअल में क्या होता है। ये वीडियो मैंने आपको भेजा नहीं था, एक एनिमेशन है छोटा सा, इसको अपन देखते हैं, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से कंपोनेंट है और किस प्रकार से कार्य करता है। यहाँ पर ये एनिमेशन यूट्यूब से लिया गया है, ये ई फॉर एजुकेशन, ये जो इसका वेब एड्रेस लिखा हुआ है इसमें, हम इस पर देखेंगे आप। अब मैं इसको चालू कर रहा हूं और आप देखिएगा, ये वाली जो है डाई ये मूवेबल है, मतलब ये आप देखेंगे पिक्चर में मूव होगी आगे, और ये वाली जो है ये फिक्स है, और ये हमारा रेम है या पिस्टन है जो कि इसको प्रेशराइज करेगा। ये हमारा चैम्बर रहेगा जिसमें मोल्टन मेटल रहेगी और वो गर्म होती रहेगी, और यहाँ पर आप देखेंगे आगे चल के एक यू शेप का आपको मिलेगा जिसको गूज नेक बोले, और यहाँ पर ये वाली जो चीज दिख रही है नोजल। चूंकि ये बहुत छोटा वीडियो है तो आप इसको मैंने पहले से बताया, अब आप फिर से देखते जाइएगा मैंने जो बोला है उसको। अब ये यहाँ पर चल रहा है वीडियो, बफरिंग है, हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि आपको इसके नॉमेनक्लेचर बताए जाएंगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे नॉमेनक्लेचर में शुरू हो गया है वीडियो। तो ये आ गया आपका मूविंग डाई यानी मूवेबल डाई, लिखा हुआ आ गया ना। ये वाला कौन सा आ गया आपका फिक्स डाई, तो एक मूविंग डाई एक फिक्स डाई। ये चित्र बनाना कठिन है, चित्र आप जो मैंने नोट्स में बताया वही वाला बना है, एक मूविंग डाई और एक इसके बीच में एक इजेक्टर प्लेट है जो मैंने वहां नहीं बताई थी, एक पिन लगी थी वहां पर, इजेक्टर पिन डार्क कलर की, जब इसको निकालना होता है। ये फर्नेस है जिसमें मोल्टन मेटल यानी हॉट चैम्बर, ये पूरा पूरा हॉट चैम्बर है, ये फिक्स डाई। अब हम इसको देखिए वर्क कैसे करता है, ये तो कंपोनेंट हो गए, तब आप लाइव देखिएगा इसमें कि ये वाला रेम जो है, यहाँ पर रेम लिखा है प्लंजर की जगह पर, ये क्लोजिंग डाई, ये डाई है आपकी बंद हो रही है, ये देखिए डाई बंद हो रही है यहाँ पर। अब एक्चुअली बंद हो रही है तो उसमें हो क्या रहा है, अपन यहाँ देखें, इसमें अब आपको ट्रांसपेरेंट मीडियम से बताया जा रहा है कि ये जो फर्नेस है इसमें ये पिघली मेटल है और ये आपकी गूज नेक है और ये कैविटी है जो हमें शेप चाहिए डाई के अंदर, ये आपकी नोजल है, ये आपका रैम। तो जब आप इसको लेंगे, रैम जब मूव होगा, ये इनलेट पोर्ट है, पिघली मेटल जो है यहाँ इस पोर्ट से अंदर आएगी। अब इसके अंदर ये पिघली मेटल जो नीचे की तरफ मैंने बनाया था, ये मोल्टन मेटल है पूरी आपकी। अब ये जैसे ही हम इस प्लंजर को ऑपरेट करेंगे, यहाँ पर रेम को जब हम उठाएंगे सक करेंगे, तो यहां से मेटल जो है अंदर आ जाएगा, और अंदर आने के बाद फिर जब हम रेम को प्रेस करेंगे, यहाँ पर ये कि जब हम रेम को उठाएंगे इसको ऊपर की ओर उठाएंगे, तो सक्शन होने के कारण जो है इनलेट पोर्ट ओपन हो जाएगा, यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा और यहां से क्या होगा, इनलेट पोर्ट में आपका मोल्टन मेटल अंदर आएगा, क्योंकि ये पीस अलग है, ये गूज नेक है और ये मेटल में डूबा हुआ मोल्टन मेटल। अब इसके बाद क्या होगा कि जब आप इसको रेम को प्रेस करेंगे, तो रेम को प्रेस करने पर देखिए, अब आपने रेम को प्रेस किया, ये मेटल फिल हुई, यहां तक गई और ये कास्टिंग में गई। इस ऑपरेशन में क्या हुआ, प्लंजर को अंदर की तरफ लाया, ये मूव हुआ, यहाँ पर ये क्लोज हुई कास्ट, मतलब नोजल के थ्रू आपका मेटल गया, और यहाँ पर ये फिल हुई मेटल, ये आपकी मेटल फिल हो गई है, और मेटल फिल हुई। अब इजेक्टर पिन को हम ऑपरेट करेंगे, जिससे कि अपनी जो बनाई अपन ने पीस जो बनाया है मेटल का, वो आपके बाहर की ओर आ जाए। इसमें आप देखेंगे, अभी इस वीडियो का लिंक मैंने इसमें भी दिया है, आप डाल देंगे तो देख लेंगे। ये देखिए, ये आपका मूवेबल डाई हटी, ये जो पीस है, अब ये पीस इजेक्ट होकर के सोलिडिफाई हो जाएगा बहुत जल्दी, मेटल की है ये बेसिकली मोल्ड बोलेंगे अपन, और परमानेंट मोल्ड ये इसमें डाई कहलाती है, ये पीस आपके निकल करके बाहर। तो ये इसकी वर्किंग है। इसके बाद यदि अपन इसी को कोल्ड चैम्बर में आप देखें, ये देखिए आप पूरा पीस दिख रहा है, गूज नेक, प्लंजर, मोल्टन मेटल, नोजल, इसके बाद ये यहाँ से मूव होगी अंदर की ओर हो जाएगी। अब कोल्ड चैम्बर, ये है आपका प्लंजर, ये आप मोल्टन मेटल डाल रहे हो, अगेन ये वाली फिक्स डाई, ये वाली मूविंग डाई, सेम प्रोसेस वही है, केवल यहाँ पर जो फर्नेस थी हार्ड चैम्बर था वो आपका नहीं है,
फर्नेस हार्ट चैम्बर नहीं है आपका, बल्कि यहाँ पर प्रेस हो। अब आप देखें इसको किस प्रकार से प्रेस हो रहा है, ये नाम दिए हुए हैं, इसमें नाम देख लें आप। सबसे पहले है आपका पावरिंग मेटल, यहाँ से आप पिघला हुआ मेटल डालेंगे। पनल, पनल जो अपन कीप होती है जिसको बोलते हैं, ये इंजेक्शन यूनिट है। यहाँ से प्रेशर करेंगे प्लंजर को और फिर इसके बाद आगे चलेंगे अपन। ये फिक्स डाई, ये मूवेबल डाई। अब चूंकि यहाँ पर ये गर्म नहीं है, आप वहां से गर्म को पिघलाए हुए को लाए हो, इसको गर्म नहीं कर रहा है, तो फ्लूडिटी इसकी कम हो जाती है, बहने का जो रेसिस्टेंस बढ़ जाता है इसका, इसलिए यहाँ पर हमको प्रेशर लगाना पड़ता है और प्रेशर बहुत ज्यादा। तो अभी हमने जैसे देखा कि एलएनएम की कास्टिंग की जब बात होगी तब ये कोल्ड चैम्बर ऑपरेट होगा। अगेन मैं देखता हूँ शायद कुछ वीडियो का इश्यू आ रहा है, अदरवाइज ये वर्किंग तो आप देख ही रहे हैं, कंपोनेंट देख लिया आपने। तो इस तरीके से हम देखें कि हार्ट चैम्बर और कोल्ड चैम्बर आपने देख लिए हैं, मैंने यहाँ पर दिखा दिया आपको हार्ट चैम्बर और कोल्ड चैम्बर। अब इसका शायद ये वर्किंग मूवमेंट बता रहे हैं, ये देखिए। अब यहाँ से मेल्टन मेटल को डालेंगे, ये नोजल है, ये नोजल है, यहाँ से अभी ये पिघले हुए मेटल को डालेंगे और ये जो है होल बने हुए, ये देखिए हमारे पिघले हुए मेटल को, मोल्टन मेटल को कीप में डाला और ये प्लंजर है, ये शॉर्ट स्लीव, स्लीव कहलाता है, हॉलो सॉफ्ट है, इसको अपन स्लीव कहते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि ये पिघले हुए मेटल जो है वो अब आप इसमें पोर हो रही है, इसे लाइक दिस, ये देखिए पिघले हुए मेटल है जो साइन हो रही है, इसमें प्रेशर, इसमें पोर होगी और पोर होने के साथ साथ यहाँ पर अब आप ये प्लंजर को ऑपरेट करें। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखें तो हमने आज जो पढ़ी है स्पेशली वो हमने देखा है हार्ट चैम्बर कोल्ड चैम्बर डाइक्रास्टिंग, और ये दो ही आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब हम यहाँ पर चैट के माध्यम से आप अपने क्वेश्चन उठा सकते हैं इसमें कि डाइक्रास्टिंग मेथड क्या है। मैंने आपको मेरे नोट्स में जो फिगर बनाया है सिंपल तरीके से वो दिखाया है, अभी इसमें कोई दिक्कत हो तो आप बता दें, क्योंकि मेरी तरफ से जो आज मुझे पढ़ा था हार्ट चैम्बर डाइकास्टिंग कोल्ड चैम्बर डाइकास्टिंग वो मैंने आपको पढ़ाया। तो आप जो चीज आपको इसमें समझ में नहीं आई हो वीडियो में या पीडीएफ नोट्स में या वर्ड्स में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप चैट के माध्यम से पूछ लें। 14 लोग हैं 13 लोग हैं, कोई और आए हैं शायद जो बाद में एंटर हुए हैं, वो अपना रोल नंबर चैट पे डाल के दे देंगे। So, I think बराबर ही इतने हैं। अब मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ। आपका चैट के थ्रू कुछ आया है क्या? हाँ चैट आई, चलिए। सचिन सिसोदिया पूछ रहा है, सर हार्ट और कोल्ड कास्टिंग में दोनों डाई के बीच में मेटल सॉलिड कैसे होती है? ओके चलिए, सबसे पहले आपको सबसे पहले मैं बताऊं कि आपको डाई समझना पड़ेगी, डाई क्या होती है। डाई में अपन देखें कि एक हिस्सा होगा नीचे का, उसमें सपोज होल है, जैसे आपने कोल्ड चैम्बर में देखा है कि एक इस तरह की डाई है और दूसरा उसमें अपन ने एक प्लंजर लगाया। मैं यहां पर दिखाता हूं डाई, मेरे नोट्स में ठीक रहेगा। अच्छा ये नहीं दिख रहा ना, शेयर नहीं किया मैंने। जैसे एक प्लंजर है उसमें आधा डंबल बना हुआ है, आधा दूसरे में बना हुआ है, जब हम उसको लेंगे और जब वो प्रेशर के साथ आएगी तो वो आपने देखा कितनी जल्दी विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो हो जाती है। तो आपका सवाल जो था वो कैसे होती, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। मैं अनम्यूट करूं क्या आपको? मैं काम करता हूं अनम्यूट कर देता हूं जिससे कि आप लोग अपने क्वेश्चन आंसर पूछ सके। फिर से चैट में देखो क्या बोल रहे हैं आप, सॉलिड कैसे होती है। अरे भाई डाई पूरी पूरी ठंडी है अपनी, डाई तो ठंडी है ना, और जब हॉट मेटल उसके संपर्क में आएगा, आप देखिए ना कि लोहे को लेकर के पिघले लोहे को जैसे अपन डालते हैं तो कितनी जल्दी ड्राई हो जाता है, ड्राई तो हो जाता है।
उसका इश्यू नहीं है, मतलब आपको कूलिंग मीडियम वगैरह नहीं है कि आप उसको ठंडा कर रहे हैं पानी से या हवा से, मतलब हवा में जो आपने अभी वीडियो में देखा है, यहाँ से एक है, यहाँ से एक फिक्स टाई है, ये मूविंग टाई है, यहाँ पर दोनों टाइट थी, इसके बाद खाली स्पेस में से क्या हुआ आपका मेटल आया और इसके बाद जैसे ही मेटल कंप्लीट हुआ, रेम में क्वांटिटी फिक्स है अकॉर्डिंग टू आपका जो शेप बना रहा है, एक बार में उतना ही आएगा, इसके बाद रेम जब ऊपर जाएगा इतनी देर में ये मूवेबल डाई इधर आएगी और वो पीस जो है वो नीचे। हाँ ये सब आपने सही पूछा था कि यदि ये मेटल का होता, किसका, स्टील का, तो इतनी जल्दी नहीं सूखता, लेकिन ये ब्रास ब्रांज और सॉफ्ट मेल्टिंग पॉइंट है इसलिए जल्दी ड्राई हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं, समय हमारे पास है, हम बात करेंगे, लेकिन अब मैं कुछ और चीट यदि कोई बोलना चाहे तो, प्रश्न थे उन दो प्रश्नों का उत्तर जो था वो मैंने आपको दे दिया है कि गूज ने किस मटेरियल का होता है, ऑफ कोर्स उस मटेरियल का होगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है, जो मेटल आप पिघला रहे हैं उससे ज्यादा हो, क्योंकि हम इसमें सॉफ्ट मेटल यूज करते हैं तो हार्डन स्टील की गूज ने बना सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। और एक था कि इतनी जल्दी ठंडा कैसा होता है, ठंडा कैसे हो जाता है, तो एयर कूलिंग के कारण ये होता है। और उसमें जो बनाते हैं पीस, आपने देखा कितने पतले पीस की कटोरी जैसी थी, मतलब थिन सेक्शन होता है, इतना बड़ा या हैवी नहीं होता जिसको अपने को सूखने के लिए, ड्राई होने के लिए कुछ समय देना। तो इस तरीके से हम अब आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीक में फिर आपसे मिलते हैं, शेड्यूल में आप लोगों को भेज दूंगा। थैंक यू वेरी मच।